आप देख रहे हैं जी, बड़ी खबर आ रही है आज अमृत जनपद से। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश हुए घायल, अपहरण कर फिरौती के मामले में चल रहे थे फरार। आपको बता दें आज अमृत जनपद के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के चकिया हुसैनाबाद में हुए अपहरण के मामले में 3 आरोपी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निजामाबाद थाना पुलिस आज भोर में करीब 2:45 थाना क्षेत्र के असली पुलिया के पास गिरफ्तार अभियुक्त शिवम यादव पुत्र ललधर यादव, राम आशीष यादव पुत्र बुद्धिराम यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं तीसरे अभियुक्त मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल वेश को आज सुबह करीब 8:15 पर थाना रवाना पर पुलिस द्वारा क्षेत्र के पसिया मठिया के पास से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, उनके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास 1 से अधिक अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुआ है। आप देखते हैं 23 को थाना निजामाबाद अंतर्गत नसीरपुर गांव में एक युवक के अपहरण कर फिरौती मांगे जाने की सूचना पर FIR नंबर 407/23 धारा 364A IPC पंजीकृत की गई थी। इस घटना में 4 फरार अभियुक्तों पर ₹25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। कल रात्रि लगभग 3:45 निजामाबाद पुलिस टीम द्वारा 2 वांछित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र लालधर यादव और राम आशीष यादव पुत्र बुद्धिराम यादव को असनी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन दोनों को गोली लगी है, वह दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तीसरे फरार अभियुक्त मोहम्मद फैजल पुत्र अबुल वैश को आज सुबह लगभग 8:15 थाना रौनापार की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान परसई मठिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, इसको भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इन सभी के पास से अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों की हालत अस्पताल में अभी ये उपचाररत है और स्टेबल है। अग्रिम विधिक कार्रवाई SHO निजामाबाद में उनकी टीम के द्वारा की जा रही है।